हाय दोस्तों, ये नोएडा से जैसे हम ग्रेटर नोएडा पहुंचते हैं दादरी भंगेल रोड पे, तो जैसे ही नोएडा ख़त्म होता है तो ग्रेटर नोएडा स्टार्ट होता है कुलेसरा के पास में। तो ये हल्द्वानी मोड़ पे कुछ ज़मीन है, ठीक है, जिसमें कि 25 प्लॉट की ज़मीन है ये, और इसमें जो है आप 1800 स्क्वायर फीट टोटल ज़मीन है, 1800 गज, ठीक है। तो इसमें 20 प्लॉट हैं जो अलग अलग डिमेंशन में हैं, जैसे 60 गज का भी है, 70 गज का, 80 90 गज का है। तो ये आबादी, माफ़ कीजिएगा, केवल 20 ही प्लॉट हैं यहाँ पे, ठीक है, और 1800 गज के यहाँ पे हैं। तो ये आबादी के बीचों बीच में, बाकी लोकेशन हम दिखा देते हैं आपको, देखिए ये वीडियो बनाया हुआ। दादरी बंगेल रोड है जो पीछे बंगेल से आ रही है और आगे सूरजपुर दादरी की तरफ जा रही है, और आगे हल्द्वानी का द्वार है, यहाँ से हम जाते हैं अंदर। ये अप्रोच रोड है, दिस इज द अप्रोच रोड, और मैं अब चल रहा हूँ अप्रोच रोड। ऐसे ये यहाँ से कनेक्ट हुआ है इस तरीके से। अबे आगे देख, गिर जाएगा गड्ढे में। ये सीधा आप जाते हैं, हम अपनी प्लॉट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे इस सारी शॉप्स हैं। हम अपनी साइड की तरफ बढ़ते हुए, हर चीज की सुख और सुविधा यहाँ पे मौजूद है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, मंडी, मार्केट, फलों की मार्केट, सब्जियों की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, स्कूल, ये स्कूल है, हॉस्पिटल, यातायात की सुविधा, टेम्पू सर्विस, आरटीवी, रिक्शा, हर चीज़ की सुविधा और हर प्रकार से संपन्न जगह है ये। यहाँ पे रेंटल बहुत अच्छा है, अगर कोई कस्टमर लेके अपना रेंट में देने का विचार करता है तो यहाँ पे रेंटल बहुत अच्छा है। आसपास सारी फैक्ट्री एरिया है, जिसको बोलते हैं सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया और SEZ नोएडा फेज 2। ये देखिए एक स्कूल और है यहाँ पे बच्चों का। और अब मैं प्लॉट की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, खैर टाइम तो कुछ नहीं है। देखिए सीवर मौजूद है यहाँ पे, ये देखिए, ये मेन अप्रोच रोड 30 फीट की है। ये एक एरिया है खाली प्लॉट जिसमें मंडी लगती है, और इस प्लॉट के उस पार हल्द्वानी का मेन बाजार है। ये देखिए चारों तरफ देखिए फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पे, हाई राइजेस, यहाँ के हिसाब से हाई राइजेस। तीस फुट की मेन रोड है, ये मेन अप्रोच रोड है, आराम से ढाई लेन की है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं गाड़ियां खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ ब्रीजा निकली है, तो जगह काफी है। खाली प्लॉट है, इसका फ्यूचर भी रेजिडेंशियल ही है, दोनों तरफ नालियां हैं, बीच में रोड है। ये एक रोड अंदर गांव के लिए चली जाती है, और ये एक दूसरी कनेक्टिंग रोड है। यहाँ से रोड थोड़ी सी नैरो हो रही है, गिनती के चुनिंदा मकान है यहाँ पे, ज़्यादा मकान नहीं है। इस खम्बे से हमारी लैंड शुरू हो जाती है,
इस कमरे से, ये जितने भी आप शटर देख रहे हैं ये हमारी जमीन में है। ये जो लैंड है, ये सारी जो आपको पुराना स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारी लैंड पे। सामने जो घर है डेड एंड है, ये गली यहाँ पे बंद हो जाती है। अब यहाँ से हम अपनी लैंड पे जाते हैं, ये हमारी लैंड के अंदर आ गए हम। ये सब स्ट्रक्चर जो है ये टूटेगा, टूट के समतल होगा, प्लेन होगा, और ये हमारी लैंड है 1850 गज की। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही अच्छी जगह है और चारों तरफ से मकानों के बीचों बीच में है। यहाँ का जो प्राइस रखा गया 25,000 रुपये गज रखा गया है, ठीक है। तो जो लोग लेना चाहें छोटा साइज भी ले सकते हैं, और फौरन बसावट है आसपास चारों तरफ। आपने देखा ही है कि मकान बने हुए, बीच का ये प्लॉट है, इसको डिमेंशन क्लियर करके कर दिया जाएगा। बाकी मैं बता दूँ, ये पूरा जो बेल्ट है मुस्लिम बेल्ट है यहाँ पर, तो 100% मान लीजिए कि मुस्लिम लोग ही यहाँ रहते हैं। मस्जिद है यहाँ पर, 5 एकड़ की एक बड़ी मस्जिद भी बनी हुई है, और यहाँ पे 5 एकड़ का मदरसा भी है, ठीक है, हल्दोनी मोड़ पे। तो काफ़ी बड़े यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, और जहाँ पे ये प्लॉट है तो चारों तरफ से मकान बने हुए हैं, मुस्लिम ही लोग हैं ज़्यादातर। तो आप लोग जो भी बाय करना चाहें कोई भी कर सकता है वैसे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आबादी मुस्लिम है। और मेन रोड से ज़्यादा दूरी नहीं, 200 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली दूरी होगी इसकी, और चारों तरफ से बसावट है, ठीक है। कोई क्वारी हो तो कमेंट्स में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्वारी कर।